सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। इंतजार की घड़ियां शनिवार को खत्म हो जाएगी। शनि का प्रभाव किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ साबित होगा, यह मतगणना के नतीजे तय करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह सीतापुर की नवीन गल्ला मंडी का वह स्थल है जहां पर मतगणना को लेकर किस प्रकार तैयारियां की गई हैं। शनिवार यानी कि 13 मई की सुबह आने से पहले ही चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके भाग्य का फैसला जो आने वाला है। परिणाम आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल होगा। आई इंडिया दिन भर हर राउंड की मतगणना आप तक घर बैठे मोबाइल पर पहुंचाने का काम करता रहेगा। जिन लोगों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल मतगणना की शुरुआत प्रातः 8 बजे से हो जाएगी, जबकि सबसे पहले नतीजा सभासद पद पर आएगा। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव का परिणाम सबसे पहले तंबौर अहमदाबाद से सदस्य पद पर आएगा, क्योंकि यहां अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए 3-3 कुल 6 मेजें मतगणना के लिए लगाई गई हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना के लिए प्रत्येक मतगणना स्थल पर CCTV की निगरानी रहेगी। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर कोई उपद्रव न हो सके इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी और प्रत्याशी समर्थकों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बताते चलें कि सीतापुर में 6 नगरपालिका और 5 नगर पंचायतों में कुल 11 अध्यक्ष एवं सभासद के 227 पदों पर 4 मई को पहले चरण में मतदान संपन्न हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए 95 और सभासद के लिए 1076 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला 2,75,740 मतदाता मत पेटियों में कैद कर चुके हैं। सीतापुर में इस चुनाव में 55.87% वोट पड़े हैं। मतगणना के लिए 266 टीमें बनाई गई हैं और 1,330 कार्मिक मतगणना के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। यह कार्मिक 214 मेजों पर मतगणना का कार्य करेंगे। नगरपालिका सीतापुर खैराबाद नगर पंचायत हरगांव की मतगणना शहर के नवीन गल्ला मंडी परिसर में प्रातः 8 बजे से होगी, जबकि नगरपालिका मिश्रिक में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, नगरपालिका लहरपुर और नगर पंचायत तंबौर की मतगणना खेमकरण इंटर कॉलेज, नगरपालिका महमूदाबाद, नगर पंचायत पैंतेपुर की मतगणना पॉलीटेक्निक, नगरपालिका बिसुआ की मतगणना कृष्णा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में होगी। इसके अलावा नगर पंचायत सिधौली की मतगणना गांधी डिग्री कॉलेज, नगर पंचायत मोहली की मतगणना के लिए कृषक इंटर कॉलेज में तैयारियां कर ली गई हैं। निकाय चुनाव के प्रेक्षक डॉक्टर इंदमणि त्रिपाठी लगातार भ्रमणशील रहकर नजर रखे हुए हैं। उधर DM अनुज सिंह व SP घुले सुशील चंद्रबान भी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए जो तैयारी की गई है उसमें पुलिस बल के साथ 1 कंपनी अर्धसैनिक बल और 1 कंपनी PSC बल को लगाया गया है। इसके अलावा 34 निरीक्षक और 137 उप निरीक्षक तैनात किए गए हैं। 218 मुख्य आरक्षी, 881 आरक्षी एवं 500 होमगार्डों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित CO भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें कि आइसोलेशन श्रेणी की सुरक्षा मतगणना स्थल के अंदर की होगी,
जिसमें सीओ और निरीक्षक के हाथ में कमान रहेगी। आंतरिक लेयर में दरोगा और आरक्षी, प्रत्याशियों के एजेंट व अन्य लोगों के पहचान पत्रों की जांच करेंगे। बाहरी सुरक्षा में होमगार्ड के साथ ही पीआरबी को लगाया गया है। जैसे ही किसी प्रत्याशी के पक्ष में जीत का फैसला आएगा तो विजयी प्रत्याशी को संबंधित एसओ कड़ी सुरक्षा के बीच उसे घर पहुंचाएंगे। किसी भी प्रत्याशी को विजय जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। प्रशासन स्तर से धारा 144 पहले ही लागू की जा चुकी है। प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई प्रत्याशी विजय जुलूस निकालता है तो उस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको यह भी बता दें कि नगरपालिका बिसुआ में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए 11-11 कुल 22 मेजों पर मतगणना होगी, जबकि नगरपालिका लहरपुर में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 12-12 कुल 24, नगरपालिका मिश्रिक में 5-5 कुल 10, नगरपालिका खैराबाद में अध्यक्ष पद की 10-10 कुल 20, नगरपालिका महमूदाबाद में अध्यक्ष सदस्य पद की 11-11 कुल 22 और नगरपालिका सीतापुर में अध्यक्ष सदस्य पद की 30-30 कुल 60 मेजों पर मतगणना होगी। इसी तरह नगर पंचायत हरगांव में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 5-5 कुल 10, नगर पंचायत पैंतेपुर 6-6 कुल 12, नगर पंचायत महोली में अध्यक्ष सदस्य पद के लिए 7-7 कुल 14, नगर पंचायत सिधौली में अध्यक्ष सदस्य पद के लिए 7-7 कुल 14 और नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए 3-3 कुल 6 मेजों पर मतगणना होगी। सभी अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए कुल 107-107 यानी 214 मेजों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। और फिर एक बार आई इंडिया के सभी दर्शकों से आपको ये जानकर खुशी होगी कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आपने सबसे ज़्यादा आई इंडिया पर देखा है और उसे सराहा है। तो मतगणना में भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आपको हम मतगणना का हाल बताएंगे, हर राउंड की अध्यक्ष पद की मतगणना भी बताएंगे और साथ ही जो निर्वाचित सभासद होंगे उनका भी हम हाल बताएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर यानी जो 11 निकाय हैं उसके लिए हमने 16 रिपोर्टरों को लगा रखा है, वो हमें पल पल की खबर देंगे। तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल पर आई इंडिया को ज़रूर देखें। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा कमेंट के जरिए हमें आप अपना सुझाव भी देते रहें। किसे मिली जीत और कौन गया हार, सिर्फ देखें आई इंडिया पर। 12 निकाय वाली लखीमपुर की जनता कर चुकी है फैसला। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक बताएंगे हम आई इंडिया चैनल पर। मैं श्याम जी अग्निहोत्री लखीमपुर खीरी से। 30 वार्डों वाली नगरपालिका सीतापुर की हर राउंड की मतगणना का मैं प्रियांशु मिश्रा बताऊंगा हाल। तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। मैं निशांत गुप्ता आई इंडिया के सभी दर्शकों को 30 वार्डों वाली नगरपालिका सीतापुर की मतगणना का बताऊंगा हाल। लहरपुर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद के नतीजों से मैं अरुण सिंह आचार्य कराऊंगा रूबरू। मैं आकाश सिंह लहरपुर नगरपालिका के सभासद के परिणामों का बताऊंगा हाल। बिसुआ नगरपालिका की आवाम के फैसले के साथ मैं अमित जायसवाल रहूंगा तैयार। हरगांव नगर पंचायत के नतीजों से मैं अनूप रस्तोगी कराऊंगा रूबरू। मैं आलोक वर्मा आ रहा हूं मिश्रिक नैमसारण नगर पालिका चुनाव के परिणामों के साथ। 25 वार्डों वाली नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की राउंड वार मतगणना का हाल मैं आयुष जैन आपको बताऊंगा। मैं धीरज शुक्ला खैराबाद नगर पालिका मतगणना की हर एक खबर के साथ रहूंगा तैयार।
मोहली नगर पंचायत की जनता के फैसले के साथ मैं सर्वेश मिश्रा रहूंगा तैयार। मैं मोहम्मद कदीर बताऊंगा नगर पंचायत पैतेपुर में किसने किसको दी पटकनी। सिधौली नगर पंचायत के चुनाव नतीजों का मैं राजन भार्गव बताऊंगा हाल। तंबोर नगर पंचायत की आवाम के फैसले के साथ मैं सलील श्रीवास्तव रहूंगा तैयार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।